अंदर बाड़ूंगा पतंग अगली बारी बोला भी पड़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक हो गए? खैर खैरियत से हो गई यार? आज बड़ी माशाल्लाह से वीआईपी धूप निकली पड़ी थी, चेक करो बस तुम धूप। और यहाँ पर एक बंदा काला गुड्डा उड़ा रहा था और वो पीछे से पीला गुड्डा। ओए ओए ओए, बहुत गंदे है भाई, बहुत गंदी है। और ये भाई खड़े हमारे। तो वेलकम बैक हो गया यार आपका हमारे इस ब्लॉग में। तो आज हम कोई पतंग वगैरह नहीं उड़ा रहे, मौसम बहुत अच्छा था, कल बारिश हुई। अबे पतंग कट गया उसका क्या? नहीं कटा यार, वो यूं ही उड़ा रहे हैं, धूप बहुत तेज है, देखा भी नहीं जा रहा। तो यार आप देख सकते हो मुझे पीला पतंग उड़ा, अभी यहाँ काला गुड्डा था इधर पीछे से उड़ रहा था, उसने वो फौरन उतार लिया। ये धूप बहुत ज्यादा तेज है यार, अल्लाह का शुक्र है कि आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है। उधर देखें गुलेरियाँ बैठी हुई हैं यार, क्या कहते हैं इन्हें पता नहीं। तो यार आप देख सकते हैं, समझ रहे हो ये देख सकते हैं इस भाई को यार, कोई पतंगबाजी नहीं कर रहे हम बस, क्योंकि यार जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनके ऊपर पड़ रहे हैं छापे, पुलिस उनको उठा रही है और उनका सामान भी लेके जा रही है, ऊपर से वो जलील अलहदा से हो रहे हैं। तो ये काम हमने छोड़ दिया यार, बहुत तेज हो रहा है ये हमारा पतंग ना उड़ाने वाला पहला व्लॉग है। सिर्फ गाइस आज हम अब हम पतंगे देखेंगे उड़ते भी उड़ाएंगे। देख रहे हो कितनी जल्दी यार ये बंदे समझ गए हैं। यार अभी हमारे आते ही पतंग उतर गई यार, अभी तो अच्छी खासी पतंग, वो दो पतंग उड़ रहे थे उन्होंने सारे देखते ही हमें उतार लिया यार, क्या ही बात है यार। बाल भी कटवाने टाइम नहीं लग रहा, तो बाल भी कटवाएंगे, धूप पता नहीं हवा चल नहीं रही शायद, ये पतंग वाले को क्या हो रहा है। ये आप भाई को देख सकते हैं, इसका पतंग उड़ाने को दिल तो कर रहा मगर इसको पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है जी। यार आप लोगों ने 1K लाइक कर दिया इस वीडियो पे, तो हम पतंग उड़ा लेंगे फिर से। पिंग करता है तू देख रहे भाई साहब क्या बंदा है भाई ये। कल बहुत बारिश हुई थी, थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा हो गई थी उसकी वजह से, तो अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। तो यार वहाँ भी एक शापर की पतंग उड़ रही है, तो यार हम आपको बताएंगे कि यार पतंग उड़ाएंगे एक आधी बार, कोई सीन बना तो ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे। ये मेकिंग जो हमने करी थी वो बहुत अच्छी। अबे पीछे से यार शापर उड़ रहा था क्या था, अभी आवाज़ आई थी शायद कट। यार ये पतंग कट के आया है, ये छोटा मजाक कर रहा है यार ये हमारे साथ, क्योंकि ये इसने पतंग बनाया है, ये पता नहीं अपने दोस्त से लेके आया है, इसके दोस्त वगैरह पकड़ा है भाई इसने ये पतंग सुबह पकड़ा यार, क्योंकि पतंग ज्यादा उड़ रहे थे, आज इतवार का दिन है तो बंदे बहुत ज्यादा ये उड़ा था उस साइड से शापर वाला, वो गैस दो तीनों वाला शापर वाला वहां से उड़ी थी और उसने काटी थी, डोरों में था ये थोड़ी, ये देख इतनी सारी डोरा ही है इसके दांत। यार पतंग तो बड़ा छपरी सा बनाया हो यार, आप लोग क्या कहते हो इस पतंग के लिए, एक लाइक हो जाना चाहिए। तो यार ये छोटा भाई डोरों में थी जब पढ़ लिया मैंने, वरना हाथ में नहीं इनके गिरता सामने वालों के घर। भाई ये इधर इनके घर चला जाता, इसने पकड़ लिया था, पता नहीं क्या बंदा, इसको मना भी कर रखा मैंने पतंग वगैरह ना उड़ा, मगर ये बाज नहीं आता, देखते हैं यार इसको समझाते हैं। बाज नहीं आते पतंग बाज, सुन लो यार इसकी, समझ रहे हो कितना घटिया इंसान बनता जा रहा है यार, कह रहा हम बाज ही नहीं आएंगे, जो कर सकते हो कर लो भाई। अब मरना तेरे को डर नहीं लगता? ले फाड़ दी थी, अब के भी इसकी फाड़नी पड़ जाएगी लग रहा है मुझको ऐसा ही। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी पतंगे फाड़ दूं, तो कम से कम 10 लाइक जरूर कर देना। अंदर बाड़ूंगा पतंग अगली बारी बोला भी पड़ देख रहा हूँ भाई, बाय बाय टाटा सब। ये मेरे को धमकी दे रहा है कि मेरी पतंग फाड़ने की कोशिश ना करना, और इसने मेरे पे पतंग से हमला कर दिया, तो आप मिलेंगे इसको, इसकी पतंग यार उड़ने वाली है भाई साहब। पतंग इसने ऊपर क्या करी, बच्चों की आवाजें आने लग गई कि पतंग उड़ी है पतंग उड़ी है, और इसकी देखो भाई देख सकते हैं यार आप लोग। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पतंग उड़ाते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे तब तक के लिए, बाय बाय।